गाइस हाय, दिस इज मी, मैं हूँ डी जिंकीनाथ एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु, वन सेकेंड। तो गाइज, आज बहुत साल बाद ऐसा लग रहा है कि सही में इंडिया बदल रहा है, एक एक करके बहुत ही अच्छा कदम ले रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में व्हीकल्स के ऊपर लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया था ऊपर से, तो इसीलिए बहुत सारे आदमी ने अभी डॉक्यूमेंट्स बहुत बना दिया। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद भी अभी भी कोई कोई एरिया में, पहले भी मैं बहुत सारे हादसे ऐसे देखे हैं फेसबुक या न्यूज़ में या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे। मैं आज का जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको एवर कर सकूँ। और जो सेकंड पॉइंट, वो तो पहला पॉइंट था, सेकंड नंबर पॉइंट है जो प्लास्टिक बैन कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत पहले ही करना चाहिए था। ये प्लास्टिक जो है हम लोगों का जान लेके ही रहेगी, तो इसलिए जितना जल्द हो सके प्लास्टिक छोड़ना ही है हमको। और आप जितना जल्दी हो सके जितना भी प्लास्टिक का सामान है सब एक जगह में रख के डस्टबिन है वहाँ पर फेंक दीजिए। ऐसे भी वन टाइम जो प्लास्टिक रहता है, जो पानी का बोतल रहता है, वो बहुत ही ख़राब है, इसीलिए वहाँ पे बोतल में लिखा रहता है कि ये वन टाइम यूज़ है, सिर्फ एक बार के लिए ही पीना चाहिए और उसके बाद जो यूज़ करते हैं बहुत ही ख़राब होता है, तो इसीलिए आप लोग ऐसा मत करिए। और यार, आज मैं एक वीडियो देखा, प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो एक बीच में जाके वहाँ पे जो बोतल गिरा हुआ था वो बोतल उठा के वो एक पैकेट में लेके जा रहा था कहीं अच्छी जगह में रखने के लिए। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, वो प्रधानमंत्री होके ऐसा कर सक रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? हम लोग भी ज़रूर करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, अपने आप के लिए करेंगे और आने वाले भविष्य के लिए ज़रूर करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मोदी जी दिखा रहे हैं, उनका जो पार्ट है वो उनको करने दें, वो दिखा रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, तो इसीलिए वो अब खुद वैसा काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी ज़रूर कर पाएंगे, तो हम लोग भी ज़रूर करेंगे। और आजकल का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आम आदमी तो कुछ करने से पुलिस ही पकड़ के लेके जाएगा, अगर कोई आम आदमी नहीं करेगा फिर भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर देने से फटाफट वायरल हो जाता है। और ऊपर से पुलिस हो या कोई भी आदमी करप्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी कहीं पे भी कर रहे हैं, तो अगर सोशल मीडिया से वायरल ज़रूर होगा। वो अगर ख़राब काम कर रहे हैं उनका तो बचना नामुमकिन है, तो इसीलिए आप लोग भी अवेयर रहिए। कोई भी ऐसा गलत काम होता है तो डायरेक्ट आप फेसबुक में या फिर कोई भी सोशल मीडिया या यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी लाइव आके वो दिखा दीजिए, फटाफट एक्शन लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे पुलिस का नौकरी भी गया है और आम आदमी का भी जेल में गया है, कि आजकल इवन प्रेस तक भी बच नहीं पा रहा है। गाड़ी का सीट बेल्ट हो, हेलमेट हो, कोई भी कुछ भी थ्रू सोशल मीडिया तो ज़रूर यूज़ करिए। पहले अगर यूज़ नहीं करते होंगे तो आजकल ज़रूर करिएगा, अच्छा होगा आपके लिए। तो अंधेरा हो ही गया, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्वालिटी अच्छा नहीं है, आने से भी साउंड तो आएगा, मेरा तो फेस देख के कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग ज़रूर सुनिए। अच्छा, अभी तो लाइट भी चल चुकी है, मैं ये चश्मा हटा लेता हूँ नहीं तो कोई पागल समझेगा। तो अगला पॉइंट कि हम लोग जो जगह में रहते हैं, सिर्फ प्लास्टिक बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सब कुछ नीट एंड क्लीन रखिए, अपने घर को भी करिए, घर के आसपास भी करिए, आपका ऑफिस का आसपास में भी करिए, जितना हो सके आप अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रखेंगे तो हम लोग का इंडिया जो है बहुत ही आगे जाएगा। ऐसे ही कुछ तस्वीरें भी हमने देखे हैं, वीडियो देखे हैं, कि गुवाहाटी का बात कर रहा हूँ मैं, बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ, गुवाहाटी में ऐसे ट्रैफिक वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, जो कि अभी उनको पुरस्कार भी किया है, क्या चीज़ से पुरस्कार किया है वो आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट वो लोग क्या किया था, दुर्गा पूजा के लास्ट डे, शायद लास्ट डे में जो झाड़ू लेके अपना रास्ता जो है रास्ता साफ कर रहा था, शायद वो ड्रेस में थे,
मगर मुझे पता नहीं है कि वो ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी पे थे या फिर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो किया है, आई डोंट नो। मगर जो किया है बहुत ही अच्छा किया है, तो दैट इज़ वाई मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे मौका मिले आप ज़रूर करिए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और दिस पॉइंट स्पेशली फॉर गुवाहाटियंस, मीन्स गुवाहाटी में जो रहते हैं उन सब के लिए है। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप गंगा रिवर जो देखे हैं, गंगा रिवर में आपका साबुन से नहाने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे फाइन भी लग सकता है। कितना फ़ाइन आप लोग खुद गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग का यहाँ पे एक भरलू बोल के एक नदी है, जो कि भरलू रिवर, जो कि मैक्सिमम को पता नहीं है कि वो भरलू रिवर है या फिर नाली है। दैट इज़ नॉट नाली, दैट इज़ ओनली वन रिवर जो हम लोग का सिटी के अंदर होके गुजरता है, और बहुत प्राउड फील करते हैं। फॉरेन कंट्री में मैं देखा हूँ कि रिवर के बगल में बैठ के रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा से वहाँ पे पार्क भी लगाया हुआ है, वहाँ से आपका मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब कुछ करते हैं, इतना नीट एंड क्लीन है। वहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा कूड़ा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो हम लोग भी प्राउड कर सकते हैं कि हम लोग का जो सिटी से गुजरता है वो भी एक नदी ही है। मगर हम लोग क्या किया है, वो नदी में जाके इतना गंदा करके रखा है, जो एकदम काला काला पानी होता है, काला काला एकदम पूरा ब्लैक कलर का, ऐसा लगता है कि वो अगर पानी में कोई गिर गया तो बचेगा नहीं, ऐसा है। और साइड से भी नहीं गुजर सकता है कि साइड से गुजरने से हम लोग का क्या होता है, बहुत बदबू मारता है। तो उसके ऊपर मैं एक स्पेशली एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं आज सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, उसके ऊपर मैं ज़रूर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा, जो कि आप सभी को, जिसको जिसको पता नहीं है कि वो एक नदी है, पूरा डिटेल्स विद विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। जितना हो सके अपने आपका सिटी जो है वो क्लीन करके रखिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश हो रही है, और अभी हम लोगों को भी करने का है, हम लोगों को भी करना ही है। अगर हम लोग खुद नहीं करेंगे तो कौन कर देगा भाई, गवर्नमेंट तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकेगा, सब कुछ तो नहीं कर पाएगा ना, तो हम लोगों को भी सपोर्ट करना है, दैट्स इट। बस हम लोग सपोर्ट करते जाऊंगा और धीरे धीरे करके हम लोग का देश जो है बहुत आगे जाएगा। मैं गवर्नमेंट को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके अच्छा से टाइटली सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से करें, और डॉक्यूमेंट्स को लेके हो कुछ भी आप लोग जो जो बोल रहे हैं हम लोग तो कर ही रहे, और करना तो पड़ेगा ही डेफिनेटली। आप लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके सड़क हो, फिर कोई ऐसी ऐसी जगह हो जहाँ पे फ्लड ज़्यादा होता है, वो सब जगह आप लोग बहुत अच्छी तरह से काम ख़त्म करें जल्द से जल्द। जो सड़क वहाँ पे आप जा नहीं सकेंगे, इतना ख़राब रास्ता है, कहीं कहीं जगह में तो गड्ढा भी है बहुत ज़्यादा, तो वो सब आप लोग ठीक करके दें। उसके बाद हम लोगों को भी गर्व से बोल सकेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड गवर्नमेंट, नंबर वन गवर्नमेंट, ऐसे बोल सकें। हमको भी प्राउड होता है कि आपको लेके, और करना पड़ेगा और करना चाहिए, वो सिर्फ आप लोग बरकरार रखिएगा, जितना जल्दी हो सके वो सब करिए। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे काम जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, सिर्फ जो जनता का प्रॉब्लम होता है, रास्ता हो या कोई भी सड़क हो या भी कोई भी कुछ भी, वो सब जल्द से जल्द ठीक करके दीजिए, बस दैट्स इट। तो थैंक यू गाइज, आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आज का तो व्लॉग नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया था, अंधेरा भी ज़्यादा हो गया इसलिए पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर एक अच्छा सा वीडियो देने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय, बाय बाय।